नेपाल का एक यात्री विमान पोखरा हवाई अड्डे पर उतरते समय रविवार को क्रैश हो गया। यति एयरलाइंस की प्लेन ATR-72 में 5 भारतीय समेत 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। नेपाल के स्थानीय मीडिया के मुताबिक अब तक 42 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। हादसे की जो तस्वीरें और फुटेज सामने आ रही है उसमें यह हादसा बेहद भयानक नजर आ रहा है। बचाव और राहत में जुटे लोगों के मुताबिक किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि लैंडिंग में 10 सेकंड पहले विमान में आग की लपटें दिखाई दी, इसलिए मौसम की खराबी के कारण दुर्घटना होने की बात नहीं कही जा सकती है। पहले कहा जा रहा था कि हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ है।